आई एम अनुभा। गर्मियों का सीज़न आ गया है और इन गर्मियों के सीज़न के साथ लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, आती है टेंशन। और वो टेंशन है कि हम अपनी स्किन को कैसे अच्छे हेल्दी बना के रखें, कैसे उसको नरिश रखें, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में सबको पता है डिहाइड्रेशन होती है, हम पानी कम पीते हैं, इस वजह से हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है और डार्क भी हो जाती है टैन की वजह से। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपनी स्किन को एकदम हेल्दी, नरिश्ड और ग्लोइंग रखना है इन गर्मियों के सीज़न में भी। तो अगर हम गर्मियों के सीज़न की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए वो है कि जब भी हम बाहर निकलें या फिर जब भी हम अपनी स्किन को प्रिपेयर करें, सबसे पहले हमें उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़ करने से हमारी स्किन हमेशा नरिश्ड रहेगी और वो हेल्दी लगेगी और उससे हमेशा डिहाइड्रेशन नहीं होगी आपकी स्किन को, तो वो डल नहीं लगेगी। सेकेंड चीज़ जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कि जब भी हम धूप में बाहर निकलें, हमें हमेशा एक हाई SPF का सनस्क्रीन लोशन लगाए रखना चाहिए। सनस्क्रीन लोशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप घर से बाहर निकल रहे हैं चाहे बाहर नहीं निकल रहे हैं, सनस्क्रीन लोशन हमारे स्किन को UV रेस से बचाता है और वो UV रेस हमारे घर की लाइट से भी होती हैं। थर्ड जो मैं टिप्स आपको दूंगी गर्मियों के सीज़न के लिए वो है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। मतलब वी शुड हैव एट लीस्ट 12-15 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। पानी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पानी से हमारी स्किन सबसे ज़्यादा हेल्दी रह सकती है। बहुत सारे आप टिप्स ट्राई कर लो, बहुत सारे आप DIYs ट्राई कर लो, बट अगर आप पानी कम पीते हो तो आपकी स्किन हेल्दी नहीं हो सकती। और जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपना ब्यूटी रिजीम बहुत ही अच्छे से फॉलो करना चाहिए। एंड बाय ब्यूटी रिजीम आई मीन कि हमें अपनी स्किन को टाइम टू टाइम एक्सफोलिएट करना चाहिए, टाइम टू टाइम उस पर हमें कुछ मास्क अप्लाई करने चाहिए। वो मास्क चाहे आप DIY भी कर सकते हैं, इवन यू कैन गो टू पार्लर ऑल्सो, बट पार्लर जाते हैं तो लंबा चौड़ा बिल आता है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ DIYs जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं उन इंग्रेडिएंट्स से जो आपके घर में अवेलेबल हों। तो फर्स्ट DIY मैं आपको एक स्क्रब बताऊंगी, जिस स्क्रब से आप अपनी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकते हो, वो सारी डेड स्किन निकाल देगी और आपकी स्किन को एकदम हेल्दी और फ्रेश बना देगी। सेकेंड DIY जो मैं आपको आज बताऊँगी वो है एक मास्क। ये मास्क आपकी स्किन को अच्छे से नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और उसे एकदम हेल्दी और ग्लोइंग बना देगा। तो बातें बहुत हो गई हैं, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो एंड सी हाउ वी मेक दिस मास्क। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पैक बनाना। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए उपटन। मैंने इसके लिए उपटन लिया है। उपटन हम सबको पता है कितना अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्किन से डेड सेल रिमूव करती हैं, टैनिंग रिमूव करती हैं। उपटन आजकल मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। बट इन केस अगर आपके पास उपटन नहीं हो तो आप बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें ये इन्ग्रीडियंट चाहिए क्योंकि हमें एक एक्सफोलिएटर चाहिए अपने स्क्रब के लिए। तो आप इसके जगह मसूर की दाल भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा टमाटो। सो टमाटो लेने के लिए हमने टमाटो की प्यूरी बनाई है और इसके लिए हमने टमाटो को बस हाफ पीसेस में कट करके उसको ग्राइंड कर लिया है। और थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा लेमन। सो जैसा कि हम सबको पता है कि लेमन कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। इसमें होता है विटामिन सी होता है, साइट्रिक एसिड होता है जो हमारी स्किन से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। तो इन तीन इंग्रेडिएंट से हम अपना स्क्रब बनाएंगे। सबसे पहले इसके लिए हम ये उपटन लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 स्पून उपटन लिया है और इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको वैरी करवा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 स्पून और मैं टमाटो लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। टमाटो एक नेचुरल एस्ट्रोजेंट है जो हमारे स्किन के पोर्स को टाइटन करता है और ये टैन रिमूवल में हमारी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये अभी बहुत थिक है तो इसको हम थोड़ा सा और रनी बनाने के लिए हम इसमें लेमन ऐड करेंगे।
तो ये हमारा स्क्रब रेडी है। इसको बस इसको आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे लगा सकते हैं जहाँ से आपको टैन निकालना हो। इसको लगाने के लिए आप सिंपल एक फेस पैक ब्रश का यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपने हाथों का भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। ये जो स्क्रब है वो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करता है। इसकी जितनी भी डेड स्किन है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। और टमाटो और लेमन भी है इसमें, जो हमारी स्किन से टैनिंग, डेड स्किन, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है। इसको लगाने के लिए आप पहले इसको अपने स्किन पे तब तक रेस्ट करने दें जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, और ड्राई होने के बाद आप इसको हल्का सा पानी लेके अच्छे से स्क्रब करिए। एंड उसके बाद आप इसको थोड़ी देर और रेस्ट करने दीजिए जब तक ये फिर से ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद आप इसको वॉश करिए। एंड बिलीव मी, इट्स अ ग्रेट स्क्रब फॉर योर बॉडी। आपकी स्किन बहुत ही रिफ्रेशिंग लगेगी इसके बाद, बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगेगी, ग्लोइंग लगेगी। तो आप इस स्क्रब को ज़रूर ट्राई करिए। तो स्क्रब को यूज़ करने के बाद हम एक पैक बनाएंगे जो हमारी स्किन को नरिश करे, जो हमारी स्किन को और ग्लोइंग बनाए। स्क्रब करने के बाद शायद हो सकता है कि हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाए, तो इसलिए इस बार हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे जो हमारी स्किन को नरिश करता है। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए कर्ड यानी दही। दही एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारे ब्यूटी रूटीन के लिए। हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, उसे टैन रिमूव करता है, और ये बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इसके लिए लेंगे वो है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर एक बहुत ही अच्छा स्क्रब है, एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जिससे हमारी स्किन से टैन रिमूव हो सकता है। अगर आपके पास राइस फ्लावर अवेलेबल नहीं हो तो आप राइस को धुल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट होगा वो है हनी। हनी हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, सो ग्लोइंग बनाता है। सबसे पहले इसके लिए हमको चाहिए हनी। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून हनी लेंगे सबसे पहले। कोई भी हनी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा दही। दही लेने के लिए हम 2 स्पून दही ले सकते हैं। ये जो पैक हम बना रहे हैं ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप जब इसको लगाएंगे तो आपको अपने आप ही फील होगा कि ये कितने अच्छे से आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, कितने अच्छे से आपकी स्किन को नरिश करता है। आप इस स्क्रब और पैक को अल्टरनेट डेज पे या हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। तो ये पैक जो है बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, ये थोड़ा सा थिक ही होता है जिससे हमारे स्किन में सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से अब्जॉर्ब हो सकें, जिससे हमारे स्किन पे ये दही और हनी बहुत अच्छे से काम कर सकें। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और पतला बनाना चाहते हो तो उसमें रोज़ वाटर का ऐड भी कर सकते हो। देख सकते हैं ये कैसा एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो इसको लगाने के लिए भी हम डायरेक्टली अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं या फिर एक फेस पैक ब्रश से इसको अपने स्किन पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारा पैक है वो बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता है, ये इसकी अच्छी बात भी है, क्योंकि जितनी देरी हमारी स्किन पे रहेगा उतना ज़्यादा ही हमारी स्किन पे वर्क करेगा, उतना ज़्यादा ये हमारी स्किन को नरिश करेगा। तो इसको लगाने के बाद आप ऐसे ही 15 मिनट छोड़ सकते हैं और या फिर जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। इन दोनों स्टेप्स को यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितने अच्छे से नरिश हो चुकी है, कितना ज़्यादा उससे टैन रिमूव हो चुका है। आप इसको हल्का स्क्रब भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें राइस फ्लावर का यूज़ भी करा है, तो वो एक स्क्रब के तरीके भी काम करता है। सो दीज वर 1 मास्क एंड 1 स्क्रब फॉर योर बॉडी टू रिमूव सन टैन। इन मास्क से आपकी बॉडी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी, इस पर कोई टैन नहीं रहेगा और आपकी स्किन जो है हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग लगेगी। एंड बिलीव मी, आई हैव ट्राइड दीज मास्क ऑन माई सेल्फ एंड आई हैव गॉट ग्रेट रिजल्ट। इन मास्क को आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई करिए और हमेशा आपको एक बहुत ही अच्छी स्किन मिलेगी। बट द थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल
फॉलोइंग एनी ब्यूटी रिजीम इज़ दैट कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर आप महीने में एक बार करेंगे एंड यू विल विश फॉर रिजल्ट, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एटलीस्ट हफ्ते में दो बार तो ये सारी मास्क और स्क्रब को ट्राई करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।